रिसेंटली मैंने न्यूरोआर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था एंड फाइनली इट गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन एट कैनाडा. जी मेरा नाम सफ़िया महराज है. मैं मुस्तफ़ाबाद ज़ैनोकुट से नगर में रहती हूँ. करंटली आई एम परस्यूइंग माई PhD फ्रॉम CSIIIM सनत नगर. जी मैंने आर्ट वर्क बचपन से ही शुरू किया था. आई पार्टिसिपेटेड इन फंटोश सोनजल एंड अदर डिफरेंट प्रोग्राम्स विच वर हेल्ड इन कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड अदर प्लेसेस. तो मैंने बचपन से इस चीज़ की तरफ किया हुआ है. तो मेरे आर्ट फॉर्म्स में काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलीग्राफी भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर्ट भी है, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस पे भी आर्ट है, चाइल्ड लेबर पे है, और उसके अलावा कश्मीर की सूरत हाल पे, लाइक जो हम देखते हैं कि घरेलू हालातों पे माएँ रोती है, बहनें रोती हैं, या बाप का दर्द, वो सब इसमें डिपिक्ट किया गया है. वो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक सिर्फ फर्स्ट पोजीशन लाती गई, तो 11th 12th में भी अच्छे मार्क्स आए. लेकिन जो आर्ट के मुतालिक इसको शौक़ था, उसका शौक़ वो कभी कम नहीं हुआ. या कैलीग्राफी की अगर हम बात करेंगे या ड्राइंग की बात करेंगे, हमेशा वहाँ पे भी प्राइज़ दे दी गई. डिबेट कम्पटिशन हो, आर्ट कम्पटिशन हो, स्लोगन राइटिंग कम्पटिशन हो, हर एक कम्पटिशन में साथ साथ जाती थी और प्राइज फर्स्ट पोजीशन आया करती थी. जब तक बात यहाँ तक पहुँच के अभी ये PhD कर रही हैं और JRBB भी रिसेंटली इन्होंने क्वालिफाई किया, तो हाल ही में मास्टर्स भी कंप्लीट किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी से बायो क्लिनिकल केमिस्ट्री में, और वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन ही इन्होंने लाई थी, गोल्ड मेडल्स लाई थी. अभी तक मैंने स्टेट लेवल में ही पार्टिसिपेट किया होगा, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लेकिन रिसेंटली मेरे भाई ने मुझे एनकरेज किया कि आई शुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन विच वॉज हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ रिजेका इन कैनेडा. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो फाइनली मेरा जो आर्ट वर्क था दैट वॉज सेलेक्टेड अमंग द टॉप 10. एंड उसकी जो थीम थी दैट वॉज ब्रेनस्टॉर्म टू सी द सफरिंग्स ऑफ माई वर्ल्ड. एंड उसमें मैंने ये दिखाया था कि जो हम दुनिया के हालात देखते हैं, काफ़ी मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ता है, उसके रिलेटेड मैंने वो आर्टवर्क बनाया था, और जिसमें मेनली मैंने दिमाग को दिखाया है और किस तरीके से इंसान सोचता है और दुनिया के हालात, सूरत हाल, बाकी चीज़ें, वो सब मैंने उसमें डिपिक्ट किए हुए थे. मैं 9th में पढ़ा था और ये 7th की 6th में पढ़ रही थी, तो बर्नहाल स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, ड्राइंग का कंपटीशन हुआ था. तो मैं ड्राइंग करता था, मगर ये बेचारी वैसे ड्राइंग नहीं करती थी, मगर डिबेट बाकी चीज़ें तो करती थी. जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे बनाना था ड्रीम के मुताबिक, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर, ड्रीम जो था. तो इसने भी बना दी ड्राइंग और वहाँ पर इसने सेकंड पोजीशन हासिल की 92.7 FM की तरफ से. इनको एक वहाँ पर प्राइज़ मिला जो कि इनके स्कूल में है अभी. तो वहाँ से लेके इनकी जो ड्राइंग के लिए और ये आर्ट के लिए जो अपना जो शौक था वो बढ़ता गया इसके बाद. और अभी तक जो मतलब इसके बाद साइंस के रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे मतलब ये पिक्चर्स, ड्राइंग्स बनाई है. और रिसेंटली इनका जो एक ड्राइंग है कनाडा में, उनका वो आर्ट एग्जीबिशन में उनका वो ऐड हो गया. आई स्टार्टेड माई स्केचिंग सिंस माई स्कूल डेज. तो स्कूल डेज में भी मुझे काफ़ी ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स मिली है. टिल नाउ लाइक आई हैव मोर देन 200 सर्टिफिकेट्स. दे आर मेनली एट स्टेट लेवल, सम आर एट नेशनल लेवल 1-2. एंड फाइनली दिस ईयर आई गॉट न्यूरोआर्ट एग्जीबिशन एट द इंटरनेशनल लेवल. एंड होपफुली आई बिलीव कि फ्यूचर में इंशाल्लाह आई विल पार्टिसिपेट इन डिफरेंट वर्कशॉप्स, एज आई हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन वर्कशॉप्स. यहाँ पे मैंने एक फादर की स्ट्रगल दिखाई है, लाइक ही इज़ वेटिंग फॉर हिज लॉस्ट चाइल्ड. सो इट्स एक्चुअली डिपिक्टिंग द सफरिंग. एज यू कैन सी इन दिस आर्ट वर्क, लाइक मैं दिखा रही हूँ कि एक औरत को पूरे हक मिलने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कितने उरूज पर है, तो उस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है. इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि औरत अपने हकूक के लिए लड़ रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेन एवर आई ट्रैवल आई सी लाइक छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं सड़कों पर. इन बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई के बजाय ये बच्चे सड़कों पे होते हैं, भीख मांगते रहते हैं. तो इसी तरीके से मेरे आर्ट वर्क में औरतों के हकूक के बारे में, बच्चों के हकूक के बारे में, जो भी सफरिंग्स हो रही है, एक माँ की पुकार है, एक वालिद की स्ट्रगल है, और उसके अलावा बहुत सारे
फॉर्म्स हैं जो मैंने इसमें डिपिक्ट किए हुए हैं। अदर देन आर्ट, लाइक आर्ट तो सिर्फ मेरा पर्सनल लेवल पे ही रहा है मेनली, बट आई यूज टू डिबेट सिंस माई थर्ड स्टैंडर्ड। तो आई हैव पार्टिसिपेटेड एट वेरियस स्टेट एंड नेशनल लेवल डिबेट कम्पटिशन, जिसमें मैंने काफ़ी प्राइजेस भी जीते और सर्टिफिकेट्स भी है जो लगी हुई है जो आपने ऑलरेडी देखी अभी तक। हेयर इज़ वन न्यूज़पेपर वे बैक टू 2012 जब मैंने पार्टिसिपेट किया था एट स्टेट लेवल एंड आई प्रेजेंटेड कश्मीर देयर एंड आई गॉट आई गेस सम 20,000 रुपीज एंड सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी इन द सेम। कुरान हो या दर्स हो या स्कूल के रिलेटेड हो या ड्राइंग के रिलेटेड, हर जगह ठीक ठाक ही वर्क चलती है। तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में भी इनको हमेशा सपोर्ट रहेगा, और वैसे तो सपोर्ट रहता ही है, तो बाकी उनका भी सपोर्ट है, फादर मदर का भी सपोर्ट है। इंशाल्लाह हमारा यही शौक है कि ये आगे बढ़ के कुछ अच्छी अचीवमेंट हासिल करे जिससे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का भी नाम रोशन हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हर किसी बच्चे में कोई ना कोई सलाहत होती है, बच्चे में क्या हर किसी इंसान में, ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके हुनर को पहचानें, उनको सामने लाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में मेरा खुद का स्टूडियो हो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए और वो सीखें कि किस तरीके से हम लोगों के इमोशंस को समझ सकते हैं, उनको लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और मुझे लगता है आर्ट एक ऐसा चीज़ है जिससे हम इन इमोशंस को आगे ला सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं और हर किसी के हुनर को समझ सकते हैं।